दिल्ली पुलिस ने वीरवार को भारतीय कुश्ती फैडरेशन के सबका प्रधान ब्रिजभूषण शरण सिंह के विरुद्ध दो अदालतों में चार्जशीट दायर की है। छे पहलवाना के दोष को लेके रोस एवन्यू कोर्ट च चार्जशीट दायर की गई सी। दूजे पासे एक होर नाबालग के जिनसी शोषण के मामले में पटियाला हाउस कोर्ट में 550 पन्नों की क्लोजर रिपोर्ट दायर की गई है। ब्रिजभूषण को इस मामले में क्लीन चिट मिल गई है। चार्जशीट में सहायक सकत्तर विनोद तोमर का नाम भी है। दरअसल सत्त महिला पहलवाना ने 21 अप्रैल को ब्रिजभूषण विरुद्ध दिल्ली पुलिस को जिनसी शोषण की शिकायत की सी। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने 28 अप्रैल को दो मामले दर्ज किए सन। पहला मामला 6 बालग महिला पहलवाना की शिकायत पर सी, जबकि एक मामला नाबालग की शिकायत पर दर्ज किया गया सी। नाबालग पहलवान के मामले च दिल्ली पुलिस ने कैंसलेशन रिपोर्ट च कहा कि जांच जिनसी शोषण का कोई सबूत नहीं मिलिया है, इसलिए इस विच केस नू बंद कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस की तर्जमान सुमन नालवा ने कहा कि POCSO मामले में असी अदालत को शिकायतकर्ता के बयान के आधार पर केस रद्द करने की अपील भी की है।